एवरीवन, कैसे हो आप सब जने। बहुत दिन हो गए ना कि कोई वीडियो यूट्यूब पे मैंने अपलोड नहीं करी। क्या बताऊँ, दिसंबर में फाइनल एग्जाम से और मैं अभी उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। वैसे तो एग्जाम सिर्फ एक ही और एक प्रेजेंटेशन है मेन, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो करनी पड़ती है। एनीवेज, तो मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं एक कन्वीनियंट स्टोर वीडियो बनाऊंगी। अगर ये बहुत सक्सेसफुल रही तो मैं फिर कंटिन्यू करूंगी। तो मैंने रिसेंटली पोल अपलोड किया था यूट्यूब पे कलर का, कि ब्लैक कलर में बनाऊँ या फिर रेड कलर में बनाऊँ। वैसे तो मेरा दिल से मन था कि मैं ब्लैक कलर में बनाऊँ, लेकिन आप सब लोगों ने रेड कलर चूज़ किया है। और कोइंसिडेंटली यहाँ पर ना अभी क्रिसमस की डेकोरेशंस स्टार्ट हो गई है। सारे कैफे में पूरी क्रिसमस वाइब्स हैं, लेकिन कन्वीनियंट स्टोर में है या नहीं मुझे नहीं पता, हम लोग देखेंगे। जिस कन्वीनियंट स्टोर में एकदम क्रिसमस वाइब होगी हम वहाँ पर शूट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं ज़्यादा कुछ, मेरे लिए इतना ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी देखती हूँ मैं वहाँ पे क्या वेज ऑप्शन है। जो रेड कलर में है पर्टिकुलरली हम वो खरीदेंगे। अगर सिर्फ एक ड्रिंक हुई ना, सिर्फ नॉर्मल कॉफ़ी या फिर कोई भी फ्रूट का जूस कुछ भी हुआ तो भी मैं खरीदूँगी। देखती हूँ मैं वहाँ पे क्या ऑप्शन होता है। ओके, लेकिन बाहर जाने से पहले, ओह हाँ, सबसे पहले मैंने बहुत सारी कन्वीनियंस स्टोर की वीडियोस देखी है। उसमें वो लोग ड्रेसअप भी पूरा सेम कलर में ही करते हैं, लेकिन रेड कलर में मेरे पास इतना कुछ खास है नहीं। सिर्फ एक हुडी है और मैं कुछ खरीदना भी नहीं चाहती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे रेड कलर इतना इतना पसंद नहीं है अपने क्लोजेट में, तो मैं सोच रही हूँ मैं वही पहन लेती हूँ। और वैसे भी बाहर इतनी ठंड है तो हमें कोई जैकेट डालना पड़ेगा, तो ड्रेस मैटर नहीं करती। थोड़ी बहुत चीटिंग चलती है ठंड के दिनों में, गर्मी में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे आउटफिट पे। अभी चलता है तो मैं फटाफट से चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी भूख लग रही है सुबह से पढ़ाई कर करके। मेरे पेट से ना चूहे अब आवाज़ करने लगे हैं कि अब मैं कुछ खा लूँ ऐसा। और मैं कब से वेट कर रही थी, मैंने स्नैक्स भी नहीं खाया। 4 बजे मैंने सिर्फ लंच किया था। मैं वेट कर रही थी कि मैं बाहर जाकर ही कन्वीनियंस स्टोर पे ही एक बार खाऊंगी, फिर अगर वहां नहीं मिला कोई ऑप्शन तो मैं घर आकर खाऊंगी। तो फटाफट से रेडी हो जाते हैं, लेट्स गो। अगर अभी समर्स होता ना तो मैं चेंज भी नहीं करती, इसी में इसी में मैं चली जाती बाहर। लेकिन ठीक है, क्योंकि ठंड है बाहर तो इससे काम नहीं चलेगा। हमें इनर भी डालना होगा, थर्मल्स पहनने मतलब जीन्स पहनना पड़ेगा। हाँ, इतनी सारी चीज़ें पहननी पड़ेगी क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है बाहर। एनीवेज, 30 मिनट्स में मैं रेडी होती हूँ और उसके बाद हम बाहर चलते हैं। क्या इतना रेड काफी है? डन, रेड रेड डन। ओके, लेट्स, वी हैव टू वियर नाउ जैकेट, दिस वन, और मुझे स्कार्फ भी चाहिए। ब्लैक ब्लैक, कम 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 कम, लेट्स गो। ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बहुत जल्दी बारिश हो सकती है? और गेस व्हाट, मैं छाता लाना भूल गई। मैं तो सोच रही थी कि कहीं तो थोड़ा सा दूर किसी कन्वीनियंट स्टोर जाऊंगी, लेकिन क्योंकि बारिश हो सकती है तो मुझे कहीं आसपास ही जाना पड़ेगा। ये फोटो बुक कितना प्रिटी है, वाह, वो रेड कलर में मॉम्स टच। सब कुछ मिल गया, GS 25 आ गया, लेकिन कन्वीनियंस स्टोर अभी तक नहीं आया। भाई कहाँ है?
प्रिटी है. यहाँ के कैफेस के जो इंटीरियर है ना, बहुत ही एस्थेटिक होता है ना. यहाँ पे रेड तो बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन हमें कहाँ से क्या लेना चाहिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा. लेकिन सबसे पहले हम लोग लेते हैं बास्केट, क्योंकि हाथ में इतनी सारी चीज़ें मैं अगर पकड़ ली ना, मैंने सारी इतनी सारी चीज़ें हाथों में, तो मैं सारी गिरा दूँगी रास्ते में. तो सबसे पहले बास्केट लेते हैं. वैसे मुझे चिप्स लाइक स्नैक्स में बहुत सारा रेड दिख रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कुछ स्पाइसी सा, क्योंकि इसके अलावा बाकी सब मुझे मीठा ही लेना है. तो ये चिप्स मुझे थोड़ी स्पाइसी लग रही है, मैं सोच रही मैं ये चिप्स ले लेती हूँ. डोरिटोज और चिप्स में मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ हमेशा से, क्योंकि मुझे डोरिटोज भी बहुत पसंद है, लेकिन चिप्स भी पसंद है, क्योंकि ये बहुत स्पाइसी दिख रही है, मुझे ट्राई करनी है. बस मैं प्रे करती हूँ कि ये चीज़ी और मीठी ना हो. यहाँ पे हर चीज़ चीज़ का टेस्ट देती है, चीज़ का फ्लेवर आता है उसमें और वो मीठा होता है. और यहाँ पे है कुछ मीठा, अब तो सारा मीठा ही है, चॉकलेट्स, पाई केक्स, सब कुछ मतलब हर चीज़ अब मुझे मीठी ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि रामेन में कोई ऑप्शन नहीं है रेड कलर में, वेज में कोई ऑप्शन नहीं है. ये सारे बिस्किट्स हैं, मुझे बिस्किट नहीं लेना है. ये लोटी चोको पाई जैसा कुछ दिख रहा है लेकिन ये कोरियन लोटी चोको पाई है शायद, और बिल्कुल सेम है ना, शायद अंदर से भी ऐसे ही होगा. अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ये लूँ या फिर पेपरो लूँ, लेकिन पेपरो मैंने बहुत खा ली है तो मैं यही ट्राई करती हूँ. एक और है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, लेकिन स्ट्रॉबेरी भी मुझे नहीं खाना. ठीक है, लेट्स गो. आइसक्रीम्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे, कौन सी आइसक्रीम लूँ. लेकिन मैं इनमें से मोस्टली ना मुझे चॉकलेट फ्लेवर में चीज़ें पसंद आती है, लेकिन ये वाटरमेलन वाली थोड़ी सी नई दिख रही है मुझे, मुझे ये ट्राई करने का मन है. चलो ये ले लेती हूँ. अंदर से कैसी होगी वाटरमेलन की शेप, इस पर जो शेप बनी ना वो वाटरमेलन की शेप बनी हुई है, अंदर से भी ऐसी होगी. ये सब कुछ नॉन वेज है, सब कुछ सॉसेजेस और ये सारे, ये भी पूरा नॉन वेज है. इसमें हमारा कोई काम नहीं. ये सारी ड्रिंक्स है, कॉफ़ी ले नहीं सकते, कॉफ़ी में कुछ भी रेड नहीं है. मुझे सिर्फ एक ये एप्पल जूस दिख रहा है और एक ये टोमेटो जूस दिख रहा है. ये टोमेटो जूस ये बहुत ही छोटा है, हमें एप्पल जूस लेना पड़ेगा शायद. ओके लेट्स चूज दिस एप्पल. एट क्या लिखा है ये शू पता नहीं ओके डन. बाकी सब कुछ यहाँ पे मीठा है, चॉकलेट्स हैं, कैंडीज हैं, लेकिन पहले ही इतना मीठा ले लिया है तो अब मेरा ना ये सब लेने का मन नहीं कर रहा, किटकैट वगैरह. बाकी मैं ज़रूर लेती, क्योंकि सब कुछ मीठा है ना, आइसक्रीम है, पाई केक्स है और जूस है, तो सब कुछ मीठा मीठा. ओके डन, देखते हैं कितना बिल हुआ है. ओके लेट्स ट्राई दिस वन, क्योंकि ये मेल्ट हो जाएगी. लेकिन सब यही रीज़न नहीं है, मुझे इसको देखना भी था अंदर से कैसा है. वाह, पूरा वाटरमेलन की स्लाइस जैसा है, और इनफैक्ट इसमें सीड्स भी हैं, मतलब सीड्स की शेप में चॉकलेट्स हैं, चोको चिप्स कह सकते हैं. बहुत बहुत डिलीशियस है, बहुत डिलीशियस, ये बहुत डिलीशियस थी, मुझे बहुत अच्छा लगा.
इसका ना फ्लेवर वाटरमेलन जैसा नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा था. मतलब थोड़ा सा मीठा थोड़ा सा खट्टा ऐसा फ्लेवर था, न ज़्यादा मीठा था न ज़्यादा एकदम सोर था, पर एक अच्छा सा टेस्ट था बीच बीच का, थोड़ा मीठा थोड़ा सा खट्टा. बहुत बहुत यम्मी थी. मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई करी है यहाँ आने के बाद. इससे पहले ना मैंने गुआवा वाली ट्राई करी थी, और हाँ फ्रूट फ्लेवर में मैंने गुआवा वाली ट्राई करी थी, वो बहुत मीठा हो गया. अब मुझे चिप्स खाने. आई होप इस पे जो चिलीज बनी हुई है वो उसका फ्लेवर भी ऐसा एकदम स्पाइसी सा हो, क्योंकि इतना अभी आइसक्रीम खाई ना मीठा मीठा, तो भी मुझे कुछ तीखा खाना है. चॉपस्टिक यूज़ करने के मतलब मुझे यूज़ करना आ गया ना, तो अभी मैं सब इसी से करती हूँ, क्योंकि बार बार हाथ गंदे होते हैं, फिर उसको टिश्यू पेपर से क्लीन करो, यहाँ पे हर जगह सिंक नहीं होता इस वजह से. और बस चीज़ी फ्लेवर ना हो इसका, और नहीं था ये ना बहुत स्पाइसी थी ये. लेकिन स्टार्टिंग के कुछ कुछ चिप्स में तो मुझे टेस्ट ही नहीं आया, क्योंकि मैंने आइसक्रीम खाई थी ना, तो मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा था. फिर उसके बाद एकदम से तीखा लगा मुझे, तो मुझे अच्छा लगा. पर इतनी सारी मैंने यहाँ पे चिप्स और ऐसे स्नैक्स खाए ना, मुझे सबसे अच्छा ये वाली चिप्स लगी है, क्योंकि इसमें ना चीज़ फ्लेवर नहीं था. ये मीठा तो था लेकिन इसमें चीज़ का फ्लेवर नहीं था. इससे पहले मैं एक बार चिप्स लेकर आई थी, उस पर भी ऐसी चिलीज़ बनी हुई थी, लेकिन वो एकदम चीज़ी सा और एक मीठा सा टेस्ट दे रहा था, स्पाइसी बिल्कुल नहीं था. लेकिन अब हमेशा से मैं यही वाली चिप्स लाऊंगी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी. डोरिटोस भी यहाँ पे वो वाला टेस्ट नहीं देते, वो भी मीठे होते हैं. मीठा तो यहाँ पे सब कुछ होता ही, जैसे कि ये चिप्स भी मीठी है, लेकिन हाँ चल जाएगा क्योंकि तीखी भी उतनी ही है. तो आइसक्रीम खाने के बाद ये चिप्स खाने का तो मज़ा ही कुछ और है. खाते खाते मैं कुछ गिराऊँ ना, ऐसा मेरे साथ कभी हो ही नहीं सकता. और मैंने अपनी पूरी जींस पे ना चिप्स ही चिप्स गिरा दी थी. तो अपन कोरियन चोको पाए. अभी मुझे देखना है कि ये सेम लोटी चोको पाई जैसा ही है या नहीं, या फिर कुछ अलग है, क्योंकि इसमें पिक्चर तो सेम वैसी ही बनी है. इसमें पूरे 2 पैकेट्स आए थे ऐसे. सेम है ये, बिल्कुल बिल्कुल सेम, और टेस्ट में तो बिल्कुल सेम है, जैसे कि बस लोटी चोको पाई खा रहे हैं ऐसा ही टेस्ट है इसका. और बाहर बारिश हो रही है, मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है. मैं चाहती हूँ कि ये बारिश जल्दी रुक जाए, नहीं तो मुझे फिर से नया अम्ब्रेला लेना पड़ेगा. मैं ये सब खाते खाते ना बाहर का नज़ारा देख रही थी, तो बाहर बारिश की वजह से इतनी ठंड लग रही है ना, लेकिन तो भी यहाँ पे कुछ कोरियन से स्टूडेंट्स हैं, वो अमेरिकानो आइस अमेरिकानो लेकर घूम रहे हैं. लेट्स ट्राई दिस जूस, एप्पल जूस है. हाँ इसका फ्लेवर भी वैसे ही होगा एप्पल जैसा, अभी हम लोग पीते हैं ना वैसा इसका फ्लेवर है थोड़ा थोड़ा सा. कन्वीनियंट स्टोर में ऐसा है कि आप खाना खाकर अपनी पूरी जो टेबल है आपने जो भी गिराया है सब कुछ समेट कर और डस्टबिन में डालना पड़ता है, तो मैं वो सब समेट रही थी और वो सब गिरा भी रही थी साथ में. तो मुझे ना पूरे 10 मिनट्स लगे सिर्फ इन रैपर्स को एक ऐसे साथ में सब समेट कर और डालने में डस्टबिन में. और जब मैं डस्टबिन के यहाँ पे उसको ट्रैश करने गई ना, तब भी वहाँ पर मुझे डस्टबिन दिखाई नहीं. मैं वहाँ ढूंढ रही हूँ, डस्टबिन में डालने जा रही थी, तो मुझे याद आया कि अभी एक पाए बाकी है, मतलब एक पीस बाकी है उस क्या कहते हैं इसको जो भी है, तो मैं वो खाने लग गई. मैंने सोचा कि अब इसको घर क्या ले जाना, एक ही तो है वहीं खा लिया. तो बाहर बारिश भी हो रही थी, तो मैं सोच भी रही थी कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ यहीं पे और तब तक बारिश रुक जाएगी. वहाँ पे ट्रैश करने के लिए गई ना अपना सारा वेस्ट, तो वहाँ पे मुझे ना डस्टबिन ही नहीं दिख रहा था, क्योंकि इन्होंने डस्टबिन ना पता नहीं शेल्फ के अंदर कर दिया था. क्योंकि मैंने सिर्फ स्नैक्स खाए ना, तो मुझे भी अभी भी भूख लग रही है. अभी भी मतलब भूख तो लग ही रही है मुझे इतना कुछ खाने के बाद भी, क्योंकि वो सिर्फ चिप्स पैनकेक्स जूस था.
यहाँ पे क्या है ना, पूरे दिन का कचरा लोग रात में ऐसे बाहर रख देते हैं, रात में एक सफाई वाली गाड़ी आती है और ये सारा कचरा ले लेती है और सुबह एकदम क्लीन, जैसे कि अभी आएगी तो सारे शॉप में, सारे कैफेज, घर वालों ने, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट जो भी होते हैं ना, सब लोग अपने अपने कचरा ऐसे बाहर ला के रख देते हैं। लेकिन आज इतनी ठंड नहीं है, यहाँ का ना बहुत अजीब सा है, एकदम से माइनस चला जाता है। लाइक कभी किसी दिन एकदम होगा लाइक 1 या 2 बजे भी, दिन के 1 या 2 बजे भी 4, 3, 2 ऐसा टेम्परेचर होता है और अगले ही दिन 16, 17 सेम टाइम पे इतना टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है। सो फाइनली मैंने डिनर बनाया किया और अभी मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे ये वीडियो शूट करने में ना सीरियसली बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं और भी कलर चैलेंजेस शूट कर सकती हूँ कन्वीनियंट स्टोर में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं ट्राई करूँगी डिफरेंट कलर्स का शूट करने में, डिफरेंट कलर्स का वीडियो शूट करने का ट्राई करूँगी। तो ओके, बाय, मेरी नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।